तो उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए घमासान शुरू हो चुका है। 2017 से पहले सत्ता को रिझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। विपक्ष के हमले झेल रही समाजवादी सरकार के लिए चुनौती और भी बड़ी है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आते ही सूबे के मुख्यमंत्री को एहसास हो गया है कि अब उन्हें 5 वर्षों का हिसाब देना होगा और लोगों को संतुष्ट भी करना होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री की चाल बदली दिख रही है। बुंदेलखंड सरकार की कमजोर नस बनकर उभरा और सीएम साहब अब सूखे की मार झेल रहे इलाके का दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ललितपुर का दौरा किया और 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इतनी ही परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। लेकिन यहाँ समाजवादी सरकार है, हम अपने बुंदेलखंड के भाइयों को और बहनों को बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी सरकार उनके साथ है। कितना भी खर्च करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बजट से हम लोग खर्च करेंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे। तोहफे बांटकर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सूखा राहत के लिए केंद्र पर कम पैसे देने का आरोप लगाया। जो मदद आनी चाहिए थी वो अभी पूरी नहीं आई है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट के पैसे से ज्यादा मदद करने का काम किया। लेकिन जमीनी स्तर पर सपा सरकार ने अपनी काफी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। कहां फेल हुई सपा सरकार? अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित राशि में से 15.1% पैसा ही खर्च हुआ। महिला कल्याण विभाग के बजट में से सिर्फ 38.7% ही खर्च हुआ। कृषि विकास के लिए आवंटित धनराशि में से सिर्फ 46% ही खर्च किया गया। गन्ने के दाम नहीं बढ़ने पर गन्ना किसान भी परेशान है। बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला। 10वीं में पास छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप भी नहीं दिया गया। बीजेपी यूपी में मोदी के नाम को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मोदी पिछले दिनों कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। बसपा भी सपा सरकार को निशाने पर लेने से नहीं चूक रही। ऐसे में अखिलेश सरकार की राहें आसान नहीं लग रही। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।